अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमारी डिस्कशन कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे कंटिन्यूड रही और प्राइमरली कल हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर पे बात की कि कॉस्ट को उनके बिहेवियर के लिहाज से कितनी टाइप्स में तकसीम किया जा सकता है। और जो बिहेवियर्स हमने बाय बिहेवियर उनकी तकसीम देखी, दैट वाज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल उसका बिहेवियर क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर क्या है। फिर हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में नेक्स्ट कॉस्ट जो देखी, दैट वाज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का एक्टिविटी बदलने के साथ टोटल कॉस्ट का बिहेवियर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर क्या रहता है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट कॉस्ट हमने देखी थी जी, सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का बिहेवियर। एक हमने ये शेप देखी थी सेमी वेरिएबल के लिए, एक हमने ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल का भी बिहेवियर देखा था। और ये हमने वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ देखा था। और आखिरी जो बिहेवियर हमने जिसका देखा था, दैट वाज स्टेप्ड फिक्स्ड कॉस्ट, जिसकी डिफरेंट हमने साथ एग्जांपल भी देखते रहे थे। तो जनाब, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स में से किसी कॉस्ट बिहेवियर में आपको कोई गाइडेंस, हेल्प, कोई फर्दर काउंसलिंग चाहिए हो, पूछिए कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर से। अच्छा, मुझे कुछ बताएगा फिक्स्ड कॉस्ट हम किस तरह डिफाइन करेंगे, हम किसी कोई कॉस्ट फिक्स्ड है या नहीं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आप बताइए बेटा। बिल्कुल ठीक है, ऐसी कॉस्ट जिसका ताल्लुक एक्टिविटी लेवल से नहीं है, एक्टिविटी लेवल के बढ़ने या कम होने से जो कॉस्ट नहीं बदलती, हम उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट से क्या मुराद है, आप बताइए बेटा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जिसमें ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के कंपोनेंट शामिल होते हैं, बिजली का बिल इसकी मिसाल है। और व्हाट अबाउट टोटल कॉस्ट, किसी इदारे की टोटल कॉस्ट को बाय बिहेवियर हम किस कैटेगरी में डालेंगे इन सब कैटेगरीज में से, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि जब किसी इदारे की टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो उस टोटल कॉस्ट में तमाम वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट इकट्ठी सम होके आ रही होती हैं, सो टोटल कॉस्ट को हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। और फिर हमने एक और कलेक्टिविटी देखी थी कि अगर हमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी जाए या जैसे टोटल कॉस्ट दी जाए, तो उसको हम फिक्स्ड और वेरिएबल में अलहदा अलहदा कैसे ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि देर आर सर्टन टॉपिक्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देर आर सर्टन टूल्स इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसमें हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट अलहदा अलहदा चाहिए होती हैं, एंड एग्जामिनर मे नॉट प्रोवाइड अस दीज बोथ इंफॉर्मेशन सेपरेटली। वो हमें हो सकता है इकट्ठी टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे दे और हमें फिर अपने जो टूल के लिए, अपने मकसद के लिए उसको अलहदा अलहदा करना पड़े। तो उसके लिए हमने एक हाइलो मेथड कल डिस्कस किया था। हाइलो मेथड में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को अलहदा अलहदा कर सकते हैं। हाइलो मेथड का स्टेप नंबर वन, हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी फ्रॉम द अवेलेबल डाटा आइडेंटिफाई करें अलॉन्ग विद देयर कॉस्ट। स्टेप नंबर टू, इस कैलकुलेशन की मदद से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करें। और स्टेप नंबर थ्री, किसी भी हाईएस्ट एक्टिविटी या लोएस्ट एक्टिविटी में से किसी भी एक्टिविटी लेवल की टोटल कॉस्ट में से उस एक्टिविटी की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाती है। तो इस तरह हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी जान पाते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट भी जान पाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए कहीं ना कहीं काम आएगी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की एप्लीकेशन में। कोई सवाल हाइलो मेथड से जी? हाइलो मेथड की एक इलस्ट्रेशन हमने की थी, एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं जरा रिवीजन के लिए। सिमिलर
सी बात है यहाँ पे बीटा लिमिटेड का ये डेटा है। बीटा लिमिटेड विशेज टू डेवलप अ मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग इट्स टोटल कॉस्ट इन द पीरियड। मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग टोटल कॉस्ट कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे अभी आगे चल के। फॉलोइंग डेटा हैव बीन रिकॉर्डेड जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने की ये यूनिट्स में एक्टिविटी है और ये इनकी कॉस्ट है। हमसे कहा गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ, मंथली फिक्स कॉस्ट बताओ। अच्छा जी, हमने हाइलो मेथड की मदद से वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को अलग-अलग करना है। हमें पता है हाइलो मेथड में स्टेप नंबर वन क्या होता है जी, हाइएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी एंड देयर कॉस्ट। दिस इज द हाइएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट एंड लोएस्ट इज, ये लोएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट, ये स्टेप नंबर वन होता है जी। स्टेप नंबर टू में हमने पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन कीजिए। तो इलस्ट्रेशन टू, हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करते हैं। इसका फॉर्मूला था डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी डिवाइडेड विद डिफरेंस ऑफ द यूनिट्स एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी। यही था ना फॉर्मूला। तो डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट, हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट 118,000 और लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट 118,400। ये क्या जी, 000 और यूनिट्स एट हाईएस्ट एक्टिविटी 4600 एंड यूनिट्स एट लोएस्ट एक्टिविटी 3000। डिफरेंस लें कॉस्ट का 6400, डिफरेंस लें यूनिट्स का 1600, इट इज रुपीज 4। हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एडिशनल 1600 यूनिट्स बनाने के लिए हमें एडिशनल 6400 खर्चा करना पड़ा। यूनिट्स बनाने से जो खर्चा कॉस्ट में इजाफा आता है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। सो 6400 इज अ वेरिएबल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1600 यूनिट्स। हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 16,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 1600 से, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाती है, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट की सेम होती है। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दें टोटल यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किए इस डिफरेंस के, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिली। ये हमारी पार्ट रिक्वायरमेंट नंबर वन एड्रेस हुई। रिक्वायरमेंट नंबर टू के लिए हमने जो बात सीखी थी फिक्स्ड कॉस्ट जानने के लिए, हम इन दोनों में से किसी एक कॉस्ट को ले सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक कॉस्ट को लेके उस टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। जैसे मैं अगर कैलकुलेशन नंबर वन कैलकुलेशन नंबर टू दोनों बनाता हूं, कैलकुलेशन नंबर वन मैं बनाता हूं हाईएस्ट एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट में से हाईएस्ट एक्टिविटी के लिए वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 4 रुपये पर यूनिट है, तो 4600 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी बनती है, टोटल कॉस्ट में से ये माइनस करें 100,000 रुपीज, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। हम इसकी अल्टरनेटिव कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, हम अल्टरनेटिव कैलकुलेशन इस डाटा के हिसाब से कर सकते हैं। हम 112,000 टोटल कॉस्ट लें, इसमें से लोएस्ट एक्टिविटी 3000 यूनिट्स के वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो आंसर यहां से भी 100,000 ही आता है। यह है जी हाई लो मेथड। हाई लो मेथड की मदद से हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट को अलग अलग कर पाते हैं जी। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, हमने दोनों जो इलस्ट्रेशन पढ़ी उन दोनों में एक वर्ड बोला गया था कि कंपनी विशेस टू डेवलप अ मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग इट्स टोटल कॉस्ट इन अ पीरियड। ये पास्ट का डाटा है, प्रिडिक्ट करने का मतलब फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाना। कंपनी ऐसा एक को मेथड डेवलप करना चाहती है
जिसकी मदद से वो फ्यूचर कॉस्ट का अंदाज़ा लगा सके। हमने जो हाइलो मेथड में छोटी सी कैलकुलेशन सीखी है, ये कैलकुलेशन हमारी उस मेथड के डेवलपमेंट में यूज़ होने वाली है। वो मेथड क्या है और उसकी मदद से हम कॉस्ट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अब हम थोड़ी सी बात उस पर करेंगे। कॉस्ट को प्रिडिक्ट करना, ये भी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारे लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट आ सकती है। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है कि ठीक है जी, पिछले 6 महीने में ये आपने प्रोडक्शन की, ये उनकी कॉस्ट आई, अगर आप जनवरी में 4200 यूनिट्स बनाना चाहते हैं तो जनवरी में 4200 यूनिट बनाने की कॉस्ट क्या आएगी, दिस इज़ द प्रिडिक्टिंग कॉस्ट। फरवरी में आप 5000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं तो फरवरी में 5000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी, दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रिडिक्टिंग कॉस्ट। फ्यूचर की लिए किसी पीरियड की कॉस्ट का अंदाज़ा लगाना, अगर हमसे कहा जाए कि उसमें कितने यूनिट्स हमने बनाने हैं तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से आप लोग फेमिलियर होंगे जी, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन की हमारे पास जो अवेलेबल है, हम इसको यहाँ से देखते हैं और फिर इस इक्वेशन की मदद से हम कैसे कॉस्ट प्रिडिक्ट करते हैं उस पर बात करते हैं। इस इक्वेशन में जो ये ए होता है ना, ये होती है जी फिक्स कॉस्ट पर पीरियड, ये हमारी फिक्स कॉस्ट होती है। इसमें जो बी की वैल्यू है इट इज़ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है, और इसमें एक्स की जो वैल्यू है ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी लेवल, या अगर हम इस अंदाज में बात करें तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड वाई इज द टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक हो गया। तो ये टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है, और हमने अभी हाइलो मेथड से जो डाटा बनाया वो डाटा हम इसमें अगर फीड कर दें, जैसे यही इक्वेशन का डाटा अगर यहाँ पे हम फीड करें तो हम फिर ये मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग कॉस्ट डेवलप हो जाता है। इसी डाटा की मदद से अगर मैं इक्वेशन फॉर प्रिडिक्टिंग कॉस्ट डेवलप करूं तो इट विल बिकम वाई इज इक्वल टू एक्स, फिक्स्ड कॉस्ट इज ए 100,000, बेसिकली ना वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए है फिक्स्ड कॉस्ट 100,000, बी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4x। ये हमारा मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग कॉस्ट आ गया, मेथड फॉर प्रिडिक्टिंग कॉस्ट आ गया। अब हमसे जितने भी यूनिट्स बनाने के बारे में पूछा जाए हम उनकी कॉस्ट बता सकते हैं। जैसे मैंने बोला था कि जी हम अगर जनवरी में 3400 यूनिट्स बनाना चाहते हैं तो हम जनाब एक्स की जगह 3400 फीट कर देंगे तो हमें जनवरी में हमारी कॉस्ट क्या आएगी पता लग जाएगी। अगर हम 3400 यूनिट बनाना चाहते हैं व्हाट विल बी आवर कॉस्ट, कितनी जी 113600। इसी तरह अगर हमें कहा जाए हम किसी महीने 5000 यूनिट्स बनाना चाहते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, सो फिक्स कॉस्ट प्लस 4 × 5000 इट विल बी 120,000। तो ये है जी मेथड ऑफ प्रिडिक्टिंग कॉस्ट। अगर हम हाइलो मेथड की मदद से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलहदा कर सकें तो हम इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की मदद से बड़ी आसानी के साथ वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को यूज़ करते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले पीरियड में हमारी कॉस्ट क्या होगी। जी एनी क्वेश्चन, प्रिडिक्टिंग कॉस्ट, कोई सवाल? अच्छा, छोटी सी एक्टिविटीज़ हैं। ये पहली एक्टिविटी, इफ़ दिस इज़ एन इक्वेशन, ये टोटल कॉस्ट की इक्वेशन है तो इसके मुताबिक फिक्स कॉस्ट इस अदारे की कितनी है। बिल्कुल ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट हमारी यहाँ पे है
8,000. इस इक्वेशन के मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 40. और अगर हमने 200 यूनिट बनाने हैं तो टोटल कॉस्ट 16,000. हमने इस इक्वेशन में यहाँ पे 200 फीट किया, टोटल कॉस्ट इज 16,000. एक और छोटी सी एक्टिविटी, अगर ये हमें टोटल कॉस्ट की इक्वेशन दी जाए और अच्छा टोटल कॉस्ट का ग्राफ मैं आपसे स्किप करके ग्राफ के एंगल से सवाल है, टोटल कॉस्ट की नेचर क्या है बाय बिहेवियर? सेमी वेरिएबल, और सेमी वेरिएबल का ग्राफ आपको याद आना ये होता है, ठीक है? और इस सेमी वेरिएबल ग्राफ में दिस इज द कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी इज जीरो, तो इसका मतलब दिस इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसे ही है? जीरो एक्टिविटी पे जो कॉस्ट इनकर होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है ना, तो टोटल एक्टिविटी का ग्राफ चूंकि सेमी वेरिएबल एक्टिविटी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेमी वेरिएबल का कॉस्ट का ग्राफ ये होता है, और इस ग्राफ में जो ये वैल्यू है ये आपको बता रही है कि जीरो एक्टिविटी पे भी कॉस्ट पे करनी पड़ी है, और बाय डेफिनेशन जिस कॉस्ट का ताल्लुक एक्टिविटी से नहीं है वो फिक्स कॉस्ट होती है। तो जनाब ये हमारी इस लाइन में दिस इज फिक्स कॉस्ट, ये स्ट्रेट लाइन हमने जो भी इक्वेशन बनानी सीखी थी इसको ड्रॉ करें तो वो लाइन ऐसे दिखती है। ग्राफ पे जब हम किसी भी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन हमें इस अंदाज में दिखेगी। अब इस अंदाज में जैसे मैंने बोला दिस रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट, और इसको ग्राफ की लैंग्वेज में वाई इंटरसेप्ट भी कहा जाता है, लाइन जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को काटती है उसको वाई इंटरसेप्ट भी कहा जाता है। ये हमारी एक्टिविटी लेवल है, ये हमारा टोटल कॉस्ट की वैल्यूज हैं, और ये हमारी टोटल कॉस्ट की लाइन है जिसके मुताबिक लाइन वुड क्रॉस वाई एक्सिस एट 1488. लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करती है? फिक्स कॉस्ट पे, ठीक है जी। तो फिक्स कॉस्ट ये आ गई जनाब। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ग्रेडियंट से मुराद स्लोप, एंड स्लोप से मुराद जिस रेट से लाइन ग्रो ऊपर को राइज कर रही है, एंड दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल है इस लाइन में, एक एक्स एक वाई, इंडिपेंडेंट इज बिल्कुल ठीक है एक्स एंड डिपेंडेंट इज वाई। ये इक्वेशन की लैंग्वेज में भी हमने इसको जरा अंडरस्टैंड कर लिया, और ये हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में भी इस लाइन को समझ लिया जी। कोई सवाल यहाँ तक? हमने हाई लो मैथड पढ़ा, हाई लो मैथड की मदद से हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी, इस इक्वेशन को लेके हम किस तरह कॉस्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के किसी पीरियड की कॉस्ट का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले किसी महीने में हमारी टोटल कॉस्ट क्या रहेगी जी। कोई सवाल? अच्छा जी, हमें हाई लो मेथड में बाज का थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है, हमें उससे भी डील करना आना चाहिए, और वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है कुछ इस अंदाज में, हाई लो मेथड विद स्टेप्ड कॉस्ट। इसको पहले ज़रा डिस्कस करते हैं और फिर हम इसके मुताबिक कुछ बात करेंगे। इलस्ट्रेशन 3 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है जी सामने, हाइलो मेथड विद स्टेप्ड कॉस्ट। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एट 3 एक्टिविटी लेवल्स। एक्टिविटी लेवल यूनिट्स 4,000, 6,000, 7,500 एंड टोटल कॉस्ट 40,600, 50,000, 54,800।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट विद इन दिस एक्टिविटी रेंज एंड देर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 5,500. जब प्रोडक्शन 5,500 यूनिट से बढ़ती है फिक्स कॉस्ट में 10% का इजाफा आ जाता है. हमारी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ 5,000 यूनिट्स, प्रिडिक्टिंग टोटल कॉस्ट. ठीक है जी, टोटल कॉस्ट प्रिडिक्ट करने को कहा गया है और टोटल कॉस्ट प्रिडिक्ट की जाती है इसी अंदाज में कि 5,000 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट क्या होगी और 5,000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी. तो हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को पहले आइडेंटिफाई करना है. हमें टोटल कॉस्ट का डाटा दिया जाए डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे. इस टोटल कॉस्ट डाटा में से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग-अलग करना हो तो हाइलो मेथड है. हाइलो मेथड का स्टेप नंबर वन हम अगर ज़रा फॉलो करें और इसके हाइलो मेथड के कॉन्सेप्ट को ज़रा एक दोबारा रजिस्टर करें. हाइलो मेथड कहता है कि हाईएस्ट एक्टिविटी लोएस्ट एक्टिविटी लीजिए और इनकी कॉस्ट लीजिए. फिर जब हाइलो मेथड में हम ये वेरिएबल कॉस्ट का फार्मूला लगा रहे हैं ये वाला, इस फार्मूले में अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां से यहां तक प्रोडक्शन में जो इजाफा आया है इस इजाफे की वजह से कॉस्ट में जो चेंज आता है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है. दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल हाइलो में. ऐसे ही है ना कि यूनिट्स यहां से यहां तक बढ़े, इन यूनिट्स के बढ़ने से कॉस्ट में जो इजाफा आया वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है. अब हम इस एग्जाम्पल पे आए, क्या इस एग्जाम्पल में ये बात होल्ड करती है? यहां से यहां तक यूनिट्स बढ़े, हाइलो हमने आइडेंटिफाई किया ना, वो यही है ना, ये हाई एंड लो. तो हम बात दोबारा करें, यहां से यहां तक यूनिट्स बढ़े तो यहां से यहां तक यूनिट्स बढ़ने में जो कॉस्ट में इजाफा आया क्या वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है? यहां से यहां तक जाने के दौरान 5,500 यूनिट्स का बैरियर भी गुजरा है. 4,000 से 7,500 के सफर के दौरान 5,500 का बैरियर भी गुजरा है. तो 5,500 तक पहुंच के तो फिक्स कॉस्ट में भी इजाफा आया है. इसका मतलब यहां से यहां तक के सफर में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा नहीं आया, फिक्स कॉस्ट में भी इजाफा आया है. इसका मतलब यहां पे हाइलो मेथड का प्रिंसिपल उतनी आसानी से अप्लाई नहीं होगा जिस अंदाज में हमने पिछली दो एग्जाम्पल्स पे अप्लाई किया. ये एक चीज आपने जहन में रखनी है कि हमने हर चीज को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो सीखेंगे सिर्फ हमने रटने के अंदाज में नहीं सीखनी, हमने लॉजिकल बैकग्राउंड के साथ सीखनी है. जैसे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करके हमने याद नहीं कर लेना, वाई हाईएस्ट वाई लोएस्ट ले रहे हैं और वजह क्या है वेरिएबल कॉस्ट के फार्मूले की, उसको भी हमें समझना है जो मैंने आपसे शेयर की कि भाई इस फार्मूले की वेरिएबल कॉस्ट के फार्मूले की जो लॉजिक है वो ये है कि लोएस्ट एक्टिविटी से हाईएस्ट एक्टिविटी जाने में जो कॉस्ट में चेंज आया वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है. और अगर ऐसा ना हो, जैसे कि इस केस में ऐसा नहीं है, लोएस्ट से हाईएस्ट तक जाने में कॉस्ट में चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से नहीं है, तो जब ऐसा ना हो तो फिर हाइलो मेथड को थोड़ा मोड़ना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है. और वो मोल्ड फिर क्या होगा, हमने हाइलो मेथड का स्टेप नंबर वन पढ़ा था हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी ढूंढो, इसको फिर हम बदलेंगे थोड़े से असूल को, इस स्टेप को हम थोड़ा बदलेंगे. फिर हम कहेंगे ऐसे दो एक्टिविटी लेवल ढूंढो जिनके दरमियान चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है. अब हम हाईएस्ट और लोएस्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि हाईएस्ट और लोएस्ट में वेरिएबल कॉस्ट का बेसिक असूल अप्लाई नहीं हो रहा. अब हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा तरीका, अब हम ऐसे दो लेवल्स पे जाएंगे जिनके दरमियान वो बेसिक असूल अप्लाई होता है. मतलब चेंज इन द टोटल कॉस्ट इज ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. तो वो कौन से दो लेवल्स हैं? 4,000 और 6,000, क्या ये वो दो लेवल हैं जिनके दरमियान सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है? आंसर इज नो. 4,000 और 6,000 के दरमियान तो 5,500 आ जाता है.
यहाँ से यहाँ तक के दरमियान फिक्स कॉस्ट भी आ गई है चेंज में। इसका मतलब ये दो लेवल यूज़ नहीं हो सकते, और इन दो लेवल्स की बात करें तो आंसर इज यस, 6000 से 7500 के दरमियान सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से कॉस्ट में चेंज आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। तो जनाब हाइलो मेथड के मुताबिक फिर हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया, हमने कहा ये वाला लेवल हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि भाई ये एक मसला है, हमें ये दो लेवल यूज़ करके हाइलो अप्लाई करना है। अब हम हाइएस्ट एंड लोएस्ट पर नहीं जाएंगे, अब हम इन दो लेवल्स को लेकर चलेंगे, और वजह है ये जनाब। जी बेटा 5500 की हमारे पास ऑप्शन है, डू वी हैव टोटल कॉस्ट अवेलेबल एट 5500? बेटा हमने तो जो अवेलेबल एक्टिविटीज़ हैं उनमें से सेलेक्ट करना है ना, 5500 पे कॉस्टों में अवेलेबल ही नहीं है। जी कोई सवाल? अच्छा जी बेटा, बेटा इन बात दोबारा सुनिए, क्या यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्शन बढ़ाने के दौरान कॉस्ट में जो इजाफा आया है, इस इजाफे में यहाँ से यहाँ तक के सफ़र के दौरान क्या वेरिएबल कॉस्ट के अलावा कोई कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में कोई इजाफा है यहाँ पे? बेटा फिक्स कॉस्ट में इजाफा 5500 यूनिट्स पे आ चुका है, जब 5500 यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट बन गई ना, 6000 पे भी वही है, 7500 भी वही है, तो यहाँ से यहाँ तक सफ़र के दौरान सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। जी जी 5500 उसने क्या लिखा कि देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन द एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 5500। जब यहां से चलते चलते 5500 से आगे गए थे तो फिक्स्ड कॉस्ट में भी वन टाइम 10% का इजाफा आ गया था, फिर वो इजाफे का स्टेप कॉस्ट है ना, जैसे हम कहते हैं 5500 पे स्टेप लग गया, उसके बाद फिर कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट चलती जा रही है आगे फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब हमने हाइलो मेथड जनाब इस पे लगाना है। अब ज़रा तवज्जो से देखिएगा, हमसे मांगी तो उसने है टोटल कॉस्ट, प्रिडिक्ट करनी है हमने टोटल कॉस्ट 5000 की, बट हमने पहले हाइलो मेथड की मदद से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट को अलहदा करना है। तो लेट्स डू द कैलकुलेशन फर्स्ट, हम पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर है ये 3, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हमने जो दो लेवल सेलेक्ट किए हैं 54,800 कॉस्ट एट हाई लेवल, कॉस्ट एट लो लेवल, डिफरेंस इन द कॉस्ट ओवर डिफरेंस इन द यूनिट्स 7500 - 6000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी जी? कॉस्ट लें तो 4800 है, ये लें तो ये 1500 है, कितनी आई जी? 3.20 ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। इसके बाद अब हमने फिक्स कॉस्ट लेनी है, तो फिक्स कॉस्ट के लिए मैं ये कॉस्ट लेवल चूज़ करता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट 54,800 मेरी कॉस्ट एट 7500 है, -7500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट। तो जनाब फिक्स कॉस्ट कितनी आई? 30,800 ये लीजिए जी फिक्स कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने दिमाग मज़ीद इस्तेमाल करना होगा, आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा सोचने की आदत रखनी है, एकदम कैरिड अवे नहीं हो जाना, हर स्टेप पे आपको सोचना है, ठीक है? अब हमसे उसने मांगा क्या है, 5000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, तो 5000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट होगी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है? हम उसको इक्वेशन की मदद से एक्सप्रेस करें या हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर दें, टोटल कॉस्ट व्हेन 5000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, हम इसको इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई फिक्स कॉस्ट
में ऐड कर दें वेरिएबल कॉस्ट, तो यहां से टोटल कॉस्ट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट तो बड़ी आसान है, फिक्स कॉस्ट में कुछ ट्रिक है उसमें बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट तो बहुत आसान है, 5000 यूनिट्स इंटू 3.2 कितनी बनी, 16,000। वेरिएबल कॉस्ट तो बनी जी 16,000। अब फिक्स कॉस्ट की बात करें, कितनी है फिक्स कॉस्ट जब हम 5000 यूनिट्स बनाएंगे? क्या 5000 यूनिट पे भी फिक्स कॉस्ट यही रहेगी? ये फिक्स कॉस्ट 7500 यूनिट के हिसाब से हमने डिटरमिन की है। क्या जब हम 5000 यूनिट बना रहे थे तब भी फिक्स कॉस्ट यही थी? आंसर इज नो। क्या थी 5000 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट बताइए जरा, मुझे वैल्यू बताइए जरा, मैं देखता हूं कितने बच्चों को वैल्यू कैलकुलेट करनी आती है। कितनी जी? 27,720। किसी और बच्चे के पास कोई और ख्याल है? 28,000। दो जवाब हो गए जी, सही कौन सा है इस पे बात करनी पड़ेगी हमें। अब कौन सा ठीक है आप बताइए बेटा, कैलकुलेटर नहीं बेटा, फोन का कंस्ट्रक्टिव यूज भी होता है, उसमें भी कैलकुलेटर होता है। ठीक है सर, मैसेजेस पढ़ने के लिए फोन नहीं होता, ऐसे तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए एग्जाम में, यूजेबल कैलकुलेटर आपके पास हर क्लास में होना चाहिए ताकि आपको उसको यूज करने की आदत पड़े, स्पीड बने और एक्यूरेसी उस पर आप बनाएं। लेकिन अगर नहीं है तो इन केस मोबाइल भी होता है हमारे पास। जी आप बताइए बेटा। हाँ जी 2772020 वाले कौन लोग हैं? बहुत ज़्यादा हैं। और 28,000 वाले कौन लोग हैं? बहुत थोड़े हैं। तो शायद कुरान में ही कोई ऐसी बात लिखी हो ना कि अच्छे लोग किल्लत में होते हैं, बड़े कलील होते हैं जो सही लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात लागू हो रही है कि सही लोग बड़े कलील हैं यहाँ पे। यहाँ पे ना एक मैं आपको थोड़ी सी बात क्लियर कर दूँ। एक आपने QM में ना डीलिंग विद परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शन फाइनेंशियल मैथ में कहीं पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है परसेंटेजेस प्रोपोर्शन मार्कअप मार्जिन की बातें कुछ सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं? तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये एक्टिविटी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी की रोल। ठीक है कि मार्जिन मार्कअप से डील करना बहुत अहम होता है और उसके लिए सिंपल लॉजिकल मैथ है जिस पे आपको अच्छा होना चाहिए। आपको यहाँ पे उसने बताया हमने जो कॉस्ट डिटरमिन की है दैट इज 7500 पे फिक्स कॉस्ट और हमें जो कॉस्ट चाहिए वो 5000 यूनिट्स की फिक्स कॉस्ट है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि जो भी कॉस्ट 5000 पे थी जब प्रोडक्शन 5500 पे पहुंची उस कॉस्ट में 10% इजाफा आ गया। 5000 यूनिट्स पे जो भी कॉस्ट थी उस कॉस्ट में 5500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की वजह से 10% इजाफा स्टेप अप आ गया। तो यहाँ पे एक बेसिक असूल आपने याद रखना है कि जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है बल्कि जिस वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई होती है वो वैल्यू हमेशा 100 रखते हैं, बेसिक असूल है। ये 10% किस फिक्स्ड कॉस्ट पे अप्लाई होनी है? जो कॉस्ट 5500 से पहले थी, मतलब 5000 पे भी वही थी, ऐसा ही ना, 5000 यूनिट्स पे जो फिक्स कॉस्ट थी उस कॉस्ट में 10% इजाफे के बाद वो कॉस्ट बनी जो 7500 यूनिट्स पे आ रही है। इसका मतलब जो 5000 यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट थी वो 100 थी और जो 7500 यूनिट्स आ रही है या 5500 यूनिट्स के बाद कॉस्ट आ रही है वो 110 है। तो जनाब ये कॉस्ट खड़ी है 110 पे, इसको लेके जाना है 100 पे, मतलब ये 100 पे नहीं है जिसको हमने 90 पे लेके जाना है, ये कॉस्ट खड़ी है 110 पे, इसको लेके जाना है 100 के लेवल पे। तो उसका तरीका होगा 30,800 को डिवाइड कर दो 110 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आंसर आया
28,000, टोटल हो गया 44,000. तो असूल बेसिक हमने क्या सीखा कि जिस वैल्यू में इजाफा आता है या जिस वैल्यू में कमियां दी जाती है इन परसेंटेज टर्म, उस बेस वैल्यू को हमेशा 100 समझते हैं. हमें उसने कहा आपकी फिक्स कॉस्ट जो 5,500 यूनिट से पहले थी उसमें 10% इजाफा आया और ये कॉस्ट बन गई. जो पहले कॉस्ट थी उसमें 10% इजाफे के बाद ये कॉस्ट बनी है. इसका मतलब पहले कॉस्ट 100 थी उसमें 10% इजाफा आया वो 110 बन गई. इसका मतलब ये कॉस्ट 110 के लेवल पे खड़ी है, इसको 110 के लेवल से 100 पे ले जाना है. तो तरीका क्या है, 110 से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें. ये काम किया हुआ ना, बहुत ज़्यादा किया हमें आपने. और ये कैफ 3 में भी बहुत ज़्यादा काम ये होने वाला है. मतलब कैफ 3 में मैं सेफली कह सकता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पे आपके कोई एग्जामिनेशन के 10 से 15 नंबर डिपेंड कर रहे होंगे. अगर आपको डीलिंग विद परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शंस पे कमांड है तो शायद आप 10-15 नंबर के लिए सिक्योर हो कम अज़ कम वहाँ पर. और अगर ये इस पर कमांड आपकी कमज़ोर है तो 10-15 नंबर आपके स्कोर में से कट जाएंगे एग्ज़ाम में. तो इसलिए हम इस पर स्पेशल फोकस भी करेंगे. इसकी कोई लहदा से हम थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी क्लास में इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगे कि परसेंटेजेस प्रोपोर्शन हमारे जिन बच्चों के अगर कमज़ोर भी ग्रिप है उसको भी हम कमांड में ले आएँ, क्योंकि इसके बगैर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कहानी बड़ी मुश्किल चलती है. तो जनाब ये हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी आ गई. जी कोई सवाल? ये अगर वाले सवाल ना क्लास में ना किया करो. ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू गाइड यू. हमारे सीए के बच्चे ना अक्सर माशाल्लाह बड़े स्मार्ट सयाने और फिर वो ओवर स्मार्ट हो जाते हैं. अच्छा भला टीचर ने को सब कॉन्सेप्ट समझाया होता है, उसके को दो सवाल कराए होते हैं, तीन इलस्ट्रेशन 3 होम असाइनमेंट दी होती हैं, उनसे भी उनकी तसली नहीं होती. वो जो तीसरी होम असाइनमेंट होती है उसमें कोई 2 वेरिएशन डाल देते हैं, जैसे अगर कर दिया उसने, अगर ऐसे ऐसे कर दें. अब जब 2 सवाल टीचर ने करा दिए, 3 असाइनमेंट के सवाल कर लिए, बड़ा कॉन्फिडेंस बन गया, हाँ जी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया. फिर जब तीसरी इलस्ट्रेशन में 2 अगर डालते हैं ना तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है, अनडूएबल हो जाता है. फिर उस पर टकरे मारते रहते हैं, फिर कहते हैं ले भी टीचर ने सही दसे आनी सानू कुछ है रह गई बिच. तो भाई सवाल ही आपने जब इम्पॉसिबल कर दिया, डूएबल ही नहीं रहा, तो फिर वो उसमें टीचर का कोई कसूर नहीं है, ना किताब का कसूर है, ना कॉन्सेप्ट का कसूर है. कसूर आपका है कि आपने एक क्वेश्चन को मॉडिफाई करने की कोशिश की, जो कि एक बड़े हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल का काम होता है. आपको नहीं पता कि एक वेरिएबल आप क्वेश्चन में जब छेड़ते हो तो उसके असरात कहाँ कहाँ जाने हैं. आपको बड़ी आसान सी छोटी सी बात लगती है, यहाँ से निकाल दो जो जी, फिर कर सवाल करके दिखाओ. तो भी कर लो भाई, यदि तो फार्मूला याद करने के वाले को बुलाओगे वो भी नहीं कर पाएगा, तो आपसे मुझसे कहाँ से होना है, क्योंकि इम्पॉसिबल अनडूएबल हो गया बात. तो कभी भी किसी भी सवाल को मॉडिफाई ना कीजिए. जब टीचर करते हैं मॉडिफाई, बट दे हैव द कैपेसिटी टू मॉडिफाई. वो उसको मॉडिफाई करके उसके डिफरेंट इफेक्ट्स मैयर करते हैं और फिर पहले सॉल्व करके देखते हैं, हाँ जी ये सॉल्व हो पा रहा है मॉडिफाई करने के बाद, फिर आपको देंगे किसी टेस्ट या क्वेश्चन में. आप आसानी से एक लाइन काट देते हो, 2 वर्ड ऐड कर देते हो, 2 वैल्यूज बदल देते हो और कहते हो जी इसको हम बद करके देखते हैं. तो ऐसा क्वेश्चन मॉडिफाई कभी ना करना, ना अभी ना आगे चल के किसी सब्जेक्ट पे भी, बिकॉज एज अ स्टूडेंट यू आर नेवर कैपेबल इनफ टू मॉडिफाई अ क्वेश्चन. तो क्लास में भी कोशिश करना कि सवालों में अगर वाले सवाल अवॉइड करना, जैसे इसने कर दिया, अगर इसमें ये ना हो या अगर इसमें ये भी हो, तो इस तरह के सवाल घर में भी बिल्कुल नहीं करने और क्लास में भी न्यूमेरिकल को लेके अगर वाले सवाल आपने अवॉइड करने. ठीक है जी कोई सवाल? बेटा फिक्स्ड कॉस्ट बेटा 4,000 यूनिट्स से जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, जब 4,000 से 5,500 पे पहुंचे थे तब फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ गई थी. ठीक है, जैसे हम कल डिस्कस करते स्टेप कॉस्ट क्या होती है कि
सिर्फ फिक्स कॉस्ट क्या है विच रिमेन फिक्स्ड ओवर अ गिवन एक्टिविटी, और इसकी मिसाल ली थी मैंने आपको डिफरेंट जो मसालें दी उनमें से एक मिसाल यह थी कि जायद मशीनरी की डेप्रिसिएशन, हमारी मशीन की कैपेसिटी है अज्यूम करो 5500 यूनिट्स, ठीक है, 5500 से ज़्यादा बनाने हैं तो मशीन में एक एडिशनल पुर्जा लगाना पड़ता है, ये समझ लो, एडिशनल पुर्जा लगाएंगे तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उसमें कंपोनेंट ऐड करेंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो कैपिटल कॉस्ट होगी, कैपिटल कॉस्ट होगी तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये वही बात है कि 5500 यूनिट्स पे से जब जाओगे आगे तो आपकी मशीन की डेप्रिसिएशन 10% बढ़ जाएगी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो वो तो बढ़ चुकी है, जब यहाँ पर पहुँचे तो मशीन की डेप्रिसिएशन हायर रेट पर चार्ज हो रही है, यहाँ पर भी वही हायर रेट पर ही चल रही है डेप्रिसिएशन, और हमसे उसने 5000 यूनिट्स की कॉस्ट मांगी थी वो हमने पीछे करके जाके देखी। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन वाली बात है। एस्टीमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एमएम इन 20x6, ये भी प्रिडिक्टिंग कॉस्ट है, हाइलो मेथड चेंजिंग वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इंकर्ड ड्यूरिंग 20x5 एट वेरियस आउटपुट लेवल इज एज अंडर, डिफरेंट आउटपुट लेवल पे जो कॉस्ट इंकर हुई वो क्या है, 200 यूनिट्स, 300 यूनिट्स, 400 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट क्या है, व्हेन द आउटपुट इज ओवर 350 यूनिट्स द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स बाय 10% फॉर ऑल द यूनिट प्रोड्यूस ड्यू टू बल्क डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर। ये कल हमने बात की थी कि इकोनॉमीज, शायद अगर नहीं हुई तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाज़कात आ जाते हैं, आप जब प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आप ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हो सप्लायर से, और वैसे तो हमारी अजम्पशन नॉर्मल रही थी कॉस्ट बिहेवियर में कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, लेकिन रियल लाइफ में प्रोडक्शन बढ़ने से बाज़त बल्क डिस्काउंट का मामला आ जाता है, जैसे सवाल में उसने जिक्र कर दिया कि आपकी प्रोडक्शन जब 350 से ऊपर गई तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया, वेरिएबल कॉस्ट में 10% की कमी आ गई। एनीवेज आगे चलते हैं, हमसे कहा गया है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एमएम, कॉस्ट प्रिडिक्ट करनी है, तो हमने कहा जी कॉस्ट प्रिडिक्ट करने के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करना है, उसके लिए हमने हाइलो मेथड सीखा हुआ है। हाइलो मेथड को हम यहाँ पे अगर लेके चलना चाहें तो कॉस्ट एट द हाईएस्ट एक्टिविटी, कॉस्ट एट द लोएस्ट एक्टिविटी से बात शुरू होती है, और अगेन हम यहाँ पे फार्मूला अगर सोच कर जहन में लाएं कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला है वो फार्मूला क्या अज्यूम करता है, वो फार्मूला अज्यूम करता है कि यहाँ से यहाँ तक यूनिट्स के बदलने से जो कॉस्ट में चेंज आया वो वेरिएबल है, दिस इज़ फर्स्ट अजम्पशन। अजम्पशन नंबर टू, और ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये पर यूनिट कांस्टेंट है, दो अजम्पशन थी वहाँ पे। हमने जब हम पहली बात जब हम इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब हम अजम्पशन ले रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो चेंज है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है, और जब हम इस चेंज को कॉस्ट में इजाफे को जो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है यूनिट्स में इजाफे से डिवाइड कर रहे हैं तो इसके पीछे हमारी सोच है कि हर यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट बराबर लगती है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया टोटल यूनिट्स से जो इस दौरान बने हैं ताकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकें। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में इजाफा तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही आया है, यहाँ से यहाँ तक सफ़र के दौरान एज पर क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, लेकिन क्या यहाँ से यहाँ तक सफ़र के दौरान वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है? नो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल गई है। फिर यहाँ पे वही वाला मसला आ गया जो हमने पिछली लेक्चर में डील किया था कि भाई जब ये दोनों बातें यहाँ पर सच नहीं हैं तो फिर हमें हाइलो मैथड को थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, जैसे पीछे लाया था बिल्कुल वही सोच यहाँ पर है कि हमने तो कहा था चेंज सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से हो और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट हो, तो ये दोनों बातें यहाँ पे रहेंगी वहीं पे ये फार्मूला काम करता है। तो हमारे इस सवाल के केस में भी हाईएस्ट और लोएस्ट लेवल के दरमियान में पहली बात तो है कि कॉस्ट में चेंज वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉन्स्टेंट
नहीं है। तो यहाँ पे हाल यहाँ पे भी वही है। फिर ऐसे दो एक्टिविटी लेवल ढूंढो जहाँ पे चेंज भी वेरिएबल कॉस्ट की वजह से है और जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहाँ पे बदलती है जाके? 350 पे जाके। इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट बदल गई ना, तो भाई इसका मतलब इसको छोड़ दो। इन दोनों के दरमियान वेरिएबल कॉस्ट सेम है तो इन दोनों को लेके चल पड़ो, इसको आप यहाँ पे छोड़ दो। अब हाईएस्ट और लोएस्ट नहीं, ये दो लेवल देने हैं। तो जनाब ये दो लेवल लीजिए और मुझे 450 यूनिट की कॉस्ट बना के दीजिए ज़रा। क्लास एक्टिविटी जी 450 यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग आपको चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 4, पहले स्टेप में आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनाई होगी इस हाई और लो एक्टिविटी को लेके, वो क्या है? 10। दूसरे स्टेप में आपने फिक्स्ड कॉस्ट डिटरमिन की होगी, वो क्या है?
5,000. फिर तीसरे स्टेप में आपसे टोटल कॉस्ट फॉर 450 यूनिट्स मांगी गई है और ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट. इसमें ऐड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट और यहां से हमें टोटल कॉस्ट मिलने वाली है. तो फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं है, जो निकाली एज इट इज आ जाएगी यहां पे 5,000. वेरिएबल कॉस्ट हमने जो वेरिएबल कॉस्ट डिटरमिन की है वो 200 से 300 यूनिट्स के दरमियान गैप को लेके की है. और हमें जो वेरिएबल कॉस्ट चाहिए वो चाहिए जो 450 यूनिट्स पे भी लागू हो. तो क्या 200 से 300 के दरमियान जो वेरिएबल कॉस्ट है वही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे चल रही है? आंसर इज नो. हमें कहा गया है जब 350 से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो वेरिएबल कॉस्ट में 10% कमी आ जाती है. किस वेरिएबल कॉस्ट में 10% कमी आएगी? जो 350 से पहले चल रही थी, जो 350 से पहले चल रही थी उसमें 10% कमी आएगी. 350 से पहले क्या चल रही थी? 10 रुपीज की जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें 10% कमी आएगी. मतलब ये 100 है, इसको 90 पे ले जाओ तो उसका मतलब इसको 90% कर लो. तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी यहाँ पे रहेगी 10 का 90 बाय 100. मतलब इसको बाय 100 इंटू 90 करो. ये 100 पे खड़ी है, इसको 90 पे ले जाना है. जैसे यहाँ पे था वो 110 पे थी, 100 पे ले गए, ये 100 पे ले गए, या सिंपली 90% कह लो, एक ही बात है. ठीक है, तो ये जनाब हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 450 से. कितनी बनी? 4050. तो टोटल कॉस्ट होगी 9050. तो ये जनाब टोटल कॉस्ट हमने प्रिडिक्ट की. हाइलो मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी. हाइलो मेथड को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसके हिसाब से हमने कॉस्ट डिटरमिन की. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बेटा. बेटा यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जब प्रोडक्शन हमारी 350 यूनिट से आगे जाती है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट में 10% की कमी आ जाती है. 350 यूनिट से जब प्रोडक्शन आगे जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 350 यूनिट से पहले जो भी चल रही थी उसमें 10% कमी आएगी. हमने जो एनालिसिस के लिए डाटा सेलेक्ट किया 200-300 है, ये क्लियर है जी? 200-300 का डाटा का एनालिसिस किया, हमें वेरिएबल कॉस्ट मिली 10 रुपये. और अब हमें टोटल कॉस्ट निकालने को कहा गया है, वो 450 यूनिट्स पे है. तो हमें देखने हैं चार जो ये जो हमने 10 रुपये पर यूनिट लगाई है, जब हम 450 यूनिट बनाएंगे तो भी क्या यही कॉस्ट रहेगी? आंसर इज नो. क्वेश्चन में बताया गया है कि जब हमारी प्रोडक्शन 350 यूनिट से ज़्यादा होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट में 10% की कमी आ जाती है. तो ये कॉस्ट तो तब आ रही है जब हम 200 से 300 यूनिट्स के दरमियान प्रोडक्शन कर रहे हैं. अब हम बात करने जा रहे हैं 450 यूनिट्स की. तो जब हमारी प्रोडक्शन 350 से ऊपर चली जाएगी तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो पहले थी उसमें 10% की कमी आएगी. पहले कॉस्ट हमारी जितनी भी थी उसमें 10% की कमी आएगी. जब हम कहते हैं जब परसेंटेज जिस बेस वैल्यू पे अप्लाई होना हो हम उसको 100 लेते हैं. परसेंट अप्लाई होना है, सेंट का मतलब 100 है. ये वैल्यू हमारी 100 पे है. अब ऑनवर्ड 350 यूनिट्स के बाद हमारी कॉस्ट 90 पे आ जाएगी. इफ़ दिस इज 100, व्हाट इज़ 90? 10 बाय 100 इंटू 90 या 10 का 90% ले लो, एक ही बात है. हमारी वेरिएबल कॉस्ट 9 रुपये पे आ जाती है जब हम 350 यूनिट से आगे जाते हैं. तो वही 9 रुपये पर यूनिट हमने 450 यूनिट्स पे अप्लाई की. वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट. जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, परसेंटेजेस और प्रोपोर्शन से डील करने के लिए थोड़ा सा मैं एक हल्का सा अब हम चूंकि ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास इसमें कोई क्वेश्चन होते हैं. ये तो बेसिक बस इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, ये हमारा कंप्लीट हो गया है. हमने नया चैप्टर शुरू करना है, लेकिन नया चैप्टर हम शुरू करेंगे कल.
आज मैं ज़रा थोड़ा सा परसेंटेजेस प्रोपोर्शन पे बात आपसे ज़रा करना चाहूँगा, क्योंकि ये मैंने जैसा कि बड़ा अहम एरिया है, इसको मैं फ़क्तन फ़ोक्तन टच करता रहूँगा आपकी ज़रा थोड़ी सी मेंटल शार्पनेस देखने के लिए। मार्कअप मार्जिन सब कुछ पढ़ा हुआ आपने, तो उसके साथ से मैं छोटी छोटी सी एक्टिविटी आपसे ज़रा यहाँ पे बोर्ड पे शेयर करता हूँ। मुझे ज़रा कैलकुलेशंस बताइए मुझे, अगर मेरी एक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 275, प्राइस डिटरमिन कीजिए आप इफ प्रॉफिट इज 20% मार्कअप और इफ प्रॉफिट इज 20% मार्जिन। ये जी जरा मुझे दोनों केसेस में प्राइस कैलकुलेट करके दीजिए। आपकी आसानी के लिए याद करा दूं, मार्कअप कॉस्ट पे अप्लाई किया जाता है। मार्कअप से मुराद 20% ऑफ द कॉस्ट, दिस इज योर प्रॉफिट, और मार्जिन का मतलब है 20% ऑफ द प्राइस इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट 20% मार्कअप है, इसका मतलब 20% ऑफ द कॉस्ट इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका 20% मार्जिन है, इसका मतलब 20% ऑफ द प्राइस इज योर प्रॉफिट। तो आपको दोनों सूरतों में प्राइस बतानी है, और प्राइस आपकी होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही होगी ना प्राइस। कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपको प्राइस मिल जाती है, या आप कॉस्ट से डायरेक्ट प्राइस पे भी लैंड कर सकते हैं, ये तो आपकी मैथमेटिक्स की ग्रिप पे डिपेंड करता है। आप कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें फिर प्राइस पे आ जाएं, इस तरह लिखना चाहें, या कॉस्ट से डायरेक्ट प्राइस पे चले जाएं, जिसका मर्जी प्रेजेंट कर दीजिए। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रेजेंटेशन के बारे में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, हम दोनों अंदाज से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जी हो गया, बोलो इसकी क्या प्राइस है। इस केस में प्राइस बोलो 330, ठीक है ये। अच्छा जी, इस केस में प्राइस क्या है, 340, 3.57, सॉरी 343.75। लीजिए जी ये वैल्यूज, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन हम देखना चाहें, मैं पहले इसके लिए वर्किंग आपसे शेयर करूं, ये कैसे आई होगी। एक तरीका मैंने बताया कि आप चाहें तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें, आप इस तरह डिटरमिन कर सकते हैं। कॉस्ट हमारी 275 है और प्रॉफिट हमारा 20% मार्कअप का मतलब 20% ऑफ कॉस्ट है, तो कितना बना 55, और यहां से आपकी प्राइस बन गई 330। एक तरीका है आप इसको ऐसे शो कर दें, और एक इसका स्मार्ट तरीका भी है कि आपने कॉस्ट में 20% ऐड करना है ना, तो क्या करें आप, प्राइस के लिए आप सिंपली 275 डिवाइड विद 100 इंटू 120 कर दीजिए, या इसको भी आप सिंपली 275 इंटू 1.2 कर दीजिए, एक ही बात है ना, 120/100 यही बनता है ना। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें, आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें, एक ही बात है। तो प्राइस यहाँ से भी 330 आ जाती है। सो प्रेजेंटेशन में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं तब भी पूरे नंबर हैं, हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं तब भी पूरे नंबर हैं, हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं तब भी पूरे नंबर हैं। हमारी मैथमेटिक्स पे ग्रिप होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि सबसे क्विक मेथड ये है, हमें मैथमेटिक्स पे परसेंटेजेस पे ग्रिप होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में हम एफिशिएंट प्रेजेंटेशन भी कर सकें, और दो दो चार चार मिनट अगर बचा सकें तो एंड में 10 मिनट बच जाएंगे, और 10 मिनट बचेंगे तो हम कोई 5-7 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर पाएंगे। तो हमें जो एफिशिएंट वेज है उन पे भी रहना, इनमें से किसी
कैलकुलेशन पे किसी स्टूडेंट को कोई गाइडेंस, कोई दिक्कत, तो मार्कअप की मदद से हमने प्राइस यहाँ पे डिटरमिन की। मार्कअप से आप प्राइस इस तरह शो कर दो, प्राइस आप ऐसे शो कर दो। अब मार्जिन की कहानी भी देख लेते हैं, उसको भी हम किस किस अंदाज से ले सकते हैं। मार्जिन से डील करने के लिए मैं वर्किंग टू बनाता हूं। एक तरीका वही जो मैंने यहां पे देखा आपके साथ शेयर किया कि आप पहले लीजिए कॉस्ट और इसमें ऐड कर दीजिए प्रॉफिट, और यहां से आप ले लीजिए प्राइस। कॉस्ट आपकी है 275, प्रॉफिट कितना है 20% ऑफ प्राइस, 20% ऑफ प्राइस। प्रॉफिट आपका 20% ऑफ प्राइस है, इसका मतलब कॉस्ट आपका प्राइस का कितने परसेंट है? 80%। ठीक हो गया, यही हिसाब है ना? अगर प्रॉफिट हमारा 20% ऑफ प्राइस है, इसका मतलब कॉस्ट हमारा 80% ऑफ प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यही प्राइस बनती है ना। तो अगर अब असूल वही है कि परसेंटेज जिस बेस पे अप्लाई होनी है वो बेस तो है, परसेंटेज कॉस्ट पे अप्लाई हो रही थी कॉस्ट सो थी, तो कॉस्ट सो है तो प्रॉफिट 20, तो इसको भी चले हम इसको इस अंदाज में 20% को और अगर सिंप्लीफाई कर लें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना। कॉस्ट सो है तो प्रॉफिट कितना है? ठीक है, कॉस्ट सो है तो प्रॉफिट कितना है? 20। यहां पे हमने कहा कि भाई कॉस्ट सो है तो प्राइस 120 है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट होती है, प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब इधर हमें कहा जा रहा है मार्जिन 20% है। अब 20% मार्जिन का मतलब प्राइस का 20% प्रॉफिट है, तो जिस बेस पे परसेंटेज लगनी है वो बेस सो है। अब प्राइस सो लेनी है हमने यहां पे, तो हमारा यहां पे हिसाब रहेगा कि भी प्राइस सो है, प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट 80 है। अब मैंने प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकालूंगा? 20% ऑफ प्राइस इज प्रॉफिट, लेकिन मुझे प्राइस ही नहीं पता तो प्रॉफिट कैसे निकालूं? मुझे प्राइस तो नहीं पता, चलो मुझे कॉस्ट तो पता है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट सब रिलेटेड है ना आपस में, तो मैं इस चीज को यूज करूंगा। भाई मुझे कॉस्ट पता है और मुझे यह भी पता है कॉस्ट 80 है और प्रॉफिट 20 है, यही है ना? हमने रिलेशनशिप क्या पढ़ा, प्राइस 100 है, प्रॉफिट 20 है, कॉस्ट 80 है। अब मुझे अगर प्राइस पता होती तो इसका 20% ले लेता मैं, प्रॉफिट आ जाता। प्राइस नहीं पता, कॉस्ट पता है, तो भाई कॉस्ट पता है कॉस्ट 80 है तो 20 क्या होगा? कॉस्ट मेरी 80 पे खड़ी है तो प्रॉफिट मेरा 20 पे खड़ा है, 80 पे अगर 275 है तो 20 पे क्या हुआ? क्या है जी प्रॉफिट? 68.75, सम कीजिए 343.75। ये एक कैलकुलेशन है, और स्मार्ट कैलकुलेशन जैसे हमने यहाँ पे की, इधर भी की जा सकती है कि भाई 275 हमारी कॉस्ट है, ये 80 है तो प्राइस 100 है, सीधा प्राइस पे आ जाओ। प्राइस ही निकालने को कहा था ना एग्जामिनर ने, प्रॉफिट थोड़ी कहा था। तो भाई ये 80 है तो 100 क्या होगा, ये 80 है तो 100 क्या होगा प्राइस, ऐसे आ जाओ आप। तो डीलिंग विद परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शन, एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने आपसे शेयर की जी। किसी साथी को कोई चीज़ कैलकुलेशन यहाँ समझ नहीं आई, मैंने सिर्फ मार्कअप और मार्जिन के रेफरेंस से आपसे थोड़ी सी डिस्कशन की, ताकि परसेंटेजेस को हम कैसे डील करते हैं, थोड़ी सी आपको एक रिवीजन एक्टिविटी दी जाए। अच्छा जी, आज के लिए हमारी डिस्कशन इतनी ही, कल इंशाअल्लाह हम जैसे नए चैप्टर पे अपने बात शुरू करेंगे। नया चैप्टर हमारा रहेगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, पढ़ी भी है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये नई भी कुछ सारे ले जिन्होंने पढ़ी, उन्होंने किस सब्जेक्ट में पढ़ी? इंट्रो में। आपने इंट्रो नहीं पढ़ी,
आजकल के दौर में भी ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रो के बगैर आते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे इंट्रो के बगैर वाले? तेरी तो इतने ज्यादा, मतलब इंट्रो नहीं पढ़ी लेकिन R1 विद इंट्रो तो पढ़ लिया ना। R1 ना पढ़े हुए कितने लोग हैं? जिन्होंने R1 ना पढ़ा है ना पढ़ने का इरादा है, पढ़ रहे हैं। अच्छा मैं फिर दोबारा मुझे सवाल मैं पूछता हूँ, मुझे जरा ये एक अच्छा हुआ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिल गया कि यहाँ पे इस वक्त कितने लोग हैं जो R1 दे चुके हैं या पढ़ रहे हैं, दे चुके हैं या पढ़ रहे हैं। अब अदरवाइज जिन्होंने ना पढ़ा ना दे रहे हैं, वो कोई है ऐसा बच्चा जिसने ना R1 पढ़ा है ना R1 इस दफा पढ़ रहा है? कोई ऐसा बच्चा नहीं है। और जिन्होंने, मैं फिर दोबारा पूछूं, जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी थी आई बिलीव वो इंट्रो प्लस R1 पढ़ के पेपर दे चुके हैं, ऐसा ही है? कितने बच्चे हैं जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी और इंट्रो प्लस R1 वाला बैच है वो भी नहीं पढ़ा? हाथ ऊंचा करें, जरा नजर आए मुझे 5-6 लोग हैं। अब बाकी जरा जाइए, 5-6 लोग बैठे हैं, आई वांट टू नो देयर प्लान, मैं जरा थोड़ा सा इनसे डिस्कस करना चाहूंगा। बाकी लोग चले जाएं जिन बच्चों ने इंट्रो नहीं पढ़ी और इंट्रो प्लस R1 का बैच भी नहीं पढ़ा, क्योंकि इंट्रो प्लस R1 का बैच आजकल ऑफर हो नहीं रहा।